तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से BTP डिजिटल एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जी हाँ, BTP की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है और एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर। यहाँ आपका परीक्षा फॉर्म फिल किया जाना स्टार्ट होने वाला है, तो कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा और कब से स्टार्ट होगा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरीके से आप क्या करना होगा, तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। जी हम बात कर रहे हैं इवेंट सेमेस्टर की, इवेंट सेमेस्टर बैक पेपर और विशेष बैक पेपर की का जो है परीक्षा फॉर्म फिल किया जाने वाला है। इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है, आपको कहाँ से चेक करना है, कैसे चेक करना है, सब कुछ हम दिखाएंगे यहाँ पे लाइव। और आगे बढ़ने से पहले बताना चाहेंगे, अगर पॉलिटेक्निक और BTP से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड आने वाले हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस है, सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा और विशेष परीक्षा जून 2022 में होने वाले एग्जाम के परीक्षा फॉर्म से रिलेटेड है। इस पर हम क्लिक करते हैं और इसका पूरा नोटिस देखते हैं। यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जी हाँ, ये डाउनलोड हो चुका है। जी यहाँ पे ये देख सकते हैं, डाउनलोड हो चुका है। और डाउनलोड होने के बाद इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन भराए जाने के संबंध में, मतलब परीक्षा फॉर्म इस बार भी आपका ऑनलाइन ही फिल होगा, जैसे कि पूर्ववत की बात, आपको मतलब ऑफलाइन कुछ भी नहीं करना है। अब इसमें क्या करना होगा देख सकते हैं कि परिषद की सेमेस्टर परीक्षा वार्षिक और ऑनलाइन भराए जाने के संबंध में निर्देश क्या है कि बैक पेपर परीक्षा जून 2022 के पात्र छात्र छात्राओं के संबंध में निम्न निर्देशों का पालन करना जरूरी है। तो यहाँ पे सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत सम सेमेस्टर परीक्षा वार्षिक बैक पेपर विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2022 में सम्मिलित होने वाले अनुमति उन्हीं छात्र को दी जाएगी जो परीक्षा फॉर्म फिल करेंगे। तो परीक्षा फॉर्म आप अगर नहीं फिल करेंगे तो आपको रोल नंबर नहीं अलाट किया जाएगा, रोल नंबर नहीं अलाट किया जाएगा तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो मतलब आपको परीक्षा फॉर्म फिल किया जाना करना तो आवश्यक है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो परीक्षा फॉर्म जैसे पिछली बार फिल किया गया था, पूर्ववर्ती सेमेस्टर की बात ही ऑनलाइन प्रक्रिया से www.btup.ac.in के माध्यम से 9/5/2022 से 14/5/2022 तक परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। अब यहाँ पे यूराइज पोर्टल पे नहीं जाके भरना है, आपको www.btup.ac.in के माध्यम से भरा जाएगा और 9/5/2022 से 14/5/2022 तक भरा जाएगा। इसके साथ साथ फिर उसका आपको एक प्रिंटआउट निकालना होगा, संस्था प्रधानाचार्य समस्त परीक्षा आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी प्रमाणित करके कार्यालय में उन्हें जमा करना होगा। तो ये सारा कार्य जो है आपके इंस्टीट्यूट का होगा, कॉलेज का होगा, तो इसमें कुछ नहीं आपको करना है। और बाकी यहाँ पे शुल्क भी जमा करना होगा, देख सकते हैं सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत सम सेमेस्टर परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क जो है अंक तालिका शुल्क कुल मिला के 420 रुपया प्रति छात्र छात्रा प्रति सेमेस्टर के हिसाब से यहाँ पे फिल करना है। वहीं डिफार्मा की अगर हम बात करें तो फार्मेसी के बच्चों को 560 रुपये प्रथम वर्ष और 570 रुपया द्वितीय वर्ष को ये जमा करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर बैक पेपर है तो प्रति छात्र जो है 200 रुपया बैक पेपर का जमा करना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा जमा करना पड़ेगा। तो सेमेस्टर पाठ्यक्रम के बैक पेपर की सूचना परिषद के विषम सेमेस्टर परीक्षा मार्च 2022 के परीक्षा फल होने के पश्चात नॉमिनल रोल नंबर में अंकित कर दी जाएगी एवं छात्रों का एडमिट कार्ड तदनुसार प्रदर्शित भी कर दी जाएगी। तो यहाँ पे ये नोटिस आपके लिए है, यूजफुल है, इस सेमेस्टर पाठ्यक्रम में बैक पेपर की सूचना परिषद के विषम सेमेस्टर की परीक्षा मार्च 2022 का जब परीक्षा फल घोषित होगा उसी में नॉमिनल रोल नंबर अंकित कर दी जाएगी और छात्रों के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा और उसी के आधार पर वो अपना पेपर दे पाएंगे। तो बैक पेपर आवेदन पत्र परिषद के विषम सेमेस्टर परीक्षा मार्च 2022 के परीक्षा फल घोषित होने के पश्चात जारी किए जाएंगे और जिसकी सूचना संस्थाओं के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो मतलब जितने भी बैक पेपर वाले हैं उनके लिए भी है और सम सेमेस्टर जो देने वाले हैं उनके लिए भी है। सभी को फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। कब से अप्लाई करना है? 9/5 से और 14
5 के बीच में अप्लाई होगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से परीक्षा फॉर्म फिल करिए। बाकी इससे रिलेटेड रिजल्ट कब आएगा, अब रिजल्ट मान के चलिए आपका बड़े जल्दी ही डिक्लेयर होगा, और क्योंकि एग्ज़ाम्स डेट भी करीब में आ गया है, एग्ज़ाम से रिलेटेड हम अगला वीडियो ज़रूर बनाएंगे कि एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। फिलहाल आप जाइए, इस बार परीक्षा फॉर्म अच्छे से फिल करिए, कहीं गलती ना हो, क्योंकि अगर आप डिले करते हैं या कोई गड़बड़ी करते हैं तो भाई उस कंडीशन में आप पेपर देने को नहीं पाएंगे और आपका सत्र ख़राब हो जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।